सरकारी योजनाओं के नाम बदलकर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लाभ लेना चाहती है वो प्रदेश की जनता समझ चुकी है। बहरहाल नाम परिवर्तन को लेकर एक बार फिर राजनीति गरमाने लगी है। भाजपा ने अब 108 एम्बुलेंस सेवा पर केंद्र सरकार के NRHM के लोगो लगाने को चुनाव से प्रेरित बताया है। ऐसे में कुछ और हो या ना हो, लेकिन योजना के नाम पर राजनीति जरूर अब गरमाने लगेगी। टिहरी के कोटी कॉलोनी में आग लगने से 9 दुकानों को नुकसान पहुँचा, जिससे कि दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कोटी कॉलोनी में आग लगने से 9 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। आग इतनी भीषण थी कि 2 घंटे में सभी 9 दुकानें रखा सामान स्वाहा हो गया। दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड पर आरोप लगाते हुए कहा कि देर रात में सूचना देने के बाद भी दमकल की गाड़ियां करीब 2.5 घंटे बाद पहुंची, तब तक सभी दुकानें आग की चपेट में आ गई थी। वहीं प्रभावित दुकानदारों ने आरोप लगाया कि प्रशासन के लोग भी करीब 6 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। साथ ही स्थानीय लोगों ने सरकार से प्रभावित दुकानदारों को मुआवजा देने की मांग भी कही। चीन की लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ को लेकर अब भाजपा अपने स्तर से जांच की तैयारी कर रही है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इसके लिए 4 सांसद सदस्य कमेटी का गठन किया है, जो मामले की जांच कर इस रिपोर्ट को देश के सामने रखेगी। इस मुद्दे पर बोलते हुए राज्यसभा सदस्य तरुण विजय ने कहा कि सरकार को चीनी घुसपैठ का अंदाजा ही नहीं है, जबकि सेना अध्यक्ष खुद कह चुके हैं कि जिस प्रकार चीन की दखल हो रही है वो काफी चिंताजनक है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी खुद कह चुके हैं कि चीन अब तक 37 बार सीमा में घुसपैठ कर चुका है। ऐसे में सीमाएं आखिर कैसे सुरक्षित हैं? प्रथम पूज भगवान गणेश के जन्मोत्सव की धूम आज पूरे देश में शुरू हो गई है, इसलिए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में देखने को मिली। इस समय सभी लोग भगवान गणेश की पूजा पाठ में लगे हुए हैं। गणेश जी की पूजा का इस चराचर जगत में कहीं भी सबसे पहले की जाती है। वैसे तो तिथियों के प्रत्येक चतुर्थी को भगवान विनायक की पूजा का महत्व है। कलयुग में गणेश और हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों को कभी रूठते नहीं हैं। वहीं बच्चे बूढ़े जवान सभी इस समय भगवान गणेश के पूजन में व्यस्त हैं। मान्यता ऐसी है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले अगर गणेश जी की पूजा की जाए तो वो कार्य मंगलमय होता है। संभल के थाना बनियाठेर इलाके की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को 3 युवकों ने मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की है। लड़की का कसूर सिर्फ ये था कि इसने 3 दबंग युवकों द्वारा की जा रही छेड़खानी का विरोध किया था। मुरादाबाद के जिला अस्पताल की इमरजेंसी में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही ये लड़की संभल के थाना बनियाठेर के मोहम्मदपुर कासिम की रहने वाली है। इस लड़की को इलाके के ही 3 युवकों ने मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की है। इस नाबालिग लड़की का कसूर सिर्फ ये था कि इलाके के ही 3 युवकों द्वारा पूर्व में की गई छेड़खानी का विरोध किया गया था, जिसकी शिकायत भी की गई थी। मामला शांत हो गया था। उन्हीं 3 युवकों ने आज फिर छींटाकशी करते हुए छेड़खानी की, लेकिन आज लड़की को विरोध करना महंगा पड़ गया। पीड़िता ने हमसे बात की तो उसने बताया कि आज जब वह अपने दरवाजे पर खड़ी थी तभी इलाके के ही 3 लड़के रईस, सरफराज और जाबिर ने उसे बुलाकर गलत बातें की, जिसका लड़की ने विरोध किया तो उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर तीनों फरार हो गए। लड़की की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी लोग दौड़ पड़े, लेकिन तब तक लड़की 80% झुलस चुकी थी, जिसे संभल से मुरादाबाद रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इस घटना ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में लड़कियां और महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। 80% झुलस चुकी इस नाबालिग लड़की को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। उधर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मदीना मुनव्वरा के लिए हज यात्रियों का पहला जत्था लखनऊ से रवाना हो गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हज यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों को हज यात्रा पर जाने की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हज के पवित्र अवसर पर वे देश और उत्तर प्रदेश में अमन चैन खुशहाली की दुआ करना न भूलें। उन्होंने हज यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे इस बात पर बेहद खुश हैं कि उन्हें हज यात्रियों के बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ। हज यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए हैं, उसके साथ ही हज हाउस में भी नियमों में बदलाव किया गया है ताकि हज यात्रियों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अजीत चंदेला समेत 3 आरोपियों को जमानत दे दी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजस्थान रॉयल्स के निलंबित खिलाड़ी अजीत चंदेला, पूर्व रणजी खिलाड़ी बाबूराम यादव और दीपक कुमार को जमानत दे दी। इससे पहले जमानत अर्जियों पर 2 सितंबर को अपना आदेश डालने के बाद अदालत दलीलें सुन रही थी। अदालत ने ये कहते हुए उस दिन अपना आदेश स्थगित कर दिया था कि उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बचाव पक्ष के वकीलों से कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण चाहिए, लेकिन अब अदालत ने चंदेला को जमानत दे दी है। चंदेला को दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया था, जिसके बाद चंदेला को जमानत नहीं मिल पा रही थी। वहीं दूसरी ओर जमानत पर रिहा हो चुके टीम इंडिया के खिलाड़ी रहे श्रीसंत को दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर को सुनवाई के लिए बुलाया है।
भारत के टेनिस स्टार लिएंडर पेस और उनके जोड़ीदार रोडेक स्टेपनैक ने यूएस ओपन के डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत के टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने यूएस ओपन में दिखाया कि वो क्यों खास हैं। पेस ने यूएस ओपन में विरोधियों को मात देते हुए इस खिताब को अपने नाम किया। पेस ने अपने चेक रिपब्लिक के जोड़ीदार रोडेक स्टेपनैक के साथ जबरदस्त खेल का नजारा पेश करते हुए फाइनल में अलेक्जेंडर पेया और ब्रूनो सोरियास की जोड़ी को बेहद आसानी से 6-1 6-3 से हरा दिया। पेस ने 40 की उम्र में वो कारनामा कर दिखाया था जो आज तक किसी भी टेनिस खिलाड़ी ने किसी भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में नहीं किया था। पेस ने 14 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है, जबकि यूएस ओपन को जीतकर पेस ने डबल्स में 8वां खिताब अपने नाम कर लिया है। उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स आइली क्या सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। वाओ सू इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गुड़गुड़ाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, पास पास आओ, पास पास। जल प्रलय के बाद बाबा केदारनाथ फिर देंगे अपने भक्तों को दर्शन। देखिए केदार में महाअभिषेक 11 सितंबर दिन भर सिर्फ समाचार प्लस। मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। मुजफ्फरनगर हिंसा ने पत्रकार राजेश वर्मा को हम सबसे छीन लिया। समाचार प्लस उनके परिवार की सहायता के लिए एक पहल कर रहा है। स्वर्गीय पत्रकार राजेश वर्मा के बेटे सारांश वर्मा का अकाउंट नंबर नीचे दिया जा रहा है। आप सभी से अपील है कि राजेश वर्मा के पीड़ित परिवार के लिए अधिक से अधिक सहायता मुहैया कराएं। सारांश वर्मा के नाम पर चेक या फिर डीडी हमें भी भेज सकते हैं। हमारा पता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। खबरें जो देती है सिर्फ सच का साथ, खबरें जो करती है सिर्फ आपके हक की बात। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।
बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल, देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। देखिए रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल, हो पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड समाचार प्लस पर। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सेना के पहरे में अभी भी मुजफ्फरनगर, आज भी हिंसा में एक शख्स की मौत, अब तक जा चुकी है 31 जाने, 3 थानों में कर्फ्यू जारी। मुजफ्फरनगर दंगों की जांच के लिए आयोग का गठन, पूर्व न्यायाधीश विष्णु सहाय की अध्यक्षता में बनी कमेटी, 2 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर दंगों पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान, कुछ राजनीतिक दल बिगाड़ना चाहते हैं प्रदेश का माहौल, दंगों पर जल्द काबू पाने का दिलाया आश्वासन। मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से की बात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन, पीटीआई के हवाले से खबर। यूपी के राज्यपाल ने मुजफ्फरनगर हिंसा पर गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट, यूपी सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप, यूपी सरकार से दंगों पर 24 घंटे के भीतर मांगा जवाब। दंगे पर सियासत ने पकड़ा जोर, मुजफ्फरनगर जा रहे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह को यूपी गेट पर पुलिस ने रोका, कार्यकर्ताओं और पुलिस ने झड़प। मुजफ्फरनगर हिंसा को देखते हुए यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में हाई अलर्ट, किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन बरत रहा है पूरी सतर्कता। और पूर्वांचल में बीजेपी के 13 सांसदों ने मऊ में की बैठक, 2014 चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा, मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर सपा सरकार पर भी साधा निशाना। बर्बाद गुलिस्तां को और बर्बाद देखकर हम रो दिए, फिर दंगा फसाद देखकर अब मचा है कत्लेआम, तो सुकून से हैं नेता परेशान थे, गांव में इत्तेहाद देखकर कटे शजर के जैसे गिर गए, माँ बाप भी सफेद कफन में लिपटी, औलाद देखकर दंगे होंगे अभी और, कि चुनाव करीब है सब हो रहा है, वोटों की जायदाद देखकर दुखी हिंदू भी है,
और मुसलमान भी, लेकिन गिद्ध खुश हैं लाशों की तादाद देखकर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंसा के बाद तनाव जारी है। अब तक मरने वालों का सरकारी आंकड़ा बढ़कर 31 हो गया है, जहां मरने वालों की